बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यूनिट नंबर 5 है, 10th क्लास हमारा। और ये है आपकी एक पोएम, छोटी सी दरेन यानी बारिश, और इसके जो है लर्निंग आउटकम्स हैं इसमें अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, यानी कि आप अंडरस्टैंड करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे किसको, नेचर को। लोकेट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी कि आप इसमें वो सेम मुतजाद और मुतरादिव देखेंगे। ये जी करो स्टार्ट इसको। एक्सेलरेट द यूजिंग ऑफ ट्रांसलेटिव एंड इंट्रांसलेटिव, एक्सेलरेट द यूजिंग प्रपोजिशन, पैराफ्रेज एंड समराइज द पोएम, राइट अ पैराग्राफ ऑन गिवन टॉपिक यूजिंग क्लियर टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्ट डिटेल्स। जी, यानी इतना कुछ आपने इससे सीखना है। चले आते हैं पोएम पे। जी, पढ़ना शुरू करें भाई। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। हाँ जी, क्या हुआ? आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, बारिश पर, बारिश के कतरे जो थे वो क्या था, पत्तों पर पड़े तो जो बारिश ने उनको सैराब किया उसकी आवाज़ जो है वो हमने सुनी। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। जी, जो ऊपर के दरखेज पत्तों की आवाज़ सुनता हूँ, और मतलब जो ऊपर वाले पत्ते थे उनकी आवाज़ आ रही थी जो टॉप पे थे। गिविंग द पोवर बिलेव ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। हाँ जी, जो नीचे कमज़ोर पत्ते थे वो मतलब उन पर तो वो आवाज़ नहीं जा रही थी। जाहिर सी बात है कि जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं, ऊपर वाली लेयर होती है, बारिश के कतरे उस पर गिर रहे थे, बारिश के ड्रॉप्स उस पर गिर रहे थे, तो उनकी एक आवाज़ जो थी वो पैदा हो रही थी। लेकिन जो नीचे वाले थे, जब वो बारिश नीचे जाती थी उन पत्तों से होकर गुजर कर, तो वो जो था अच्छा लगता था और एक उससे भी एक आवाज़ पैदा हो रही थी। टी इज अ स्वीट नॉइज टू हेयर दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। जी, नीचे कमज़ोर पत्तों को देखते हुए कतरा कतरा करके ये खुशगवार लगता है, यानी कि वो खूबसूरत लगता है। ये सब पत्ते करीब ही बारिश के पानी से सैराब हो रहे हैं। देखें जी, बारिश जब होती है तो ग्रीनरी जो है वो निखर जाती है, क्योंकि पहले उस पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी की लेयर होती है, तो जब वो मिट्टी की लेयर उतर जाती है बारिश से, वो पत्ते जो हैं वो नहा लेते हैं, तो एक खूबसूरत सा मंज़र पेश करते हैं जिसको शायद यहाँ पे बयान कर रहा है। एंड व्हेन द सन कम आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप। हाँ जी, जब क्या हुआ, बारिश ख़त्म मतलब स्टॉप हुई, तो सूरज जो है वो निकल आया। इज डार्क राउंड ड्रॉप, आई होप द सन शाइन ब्राइट। और एक अजीब सी मतलब रोशनी भर दी गई, यानी कि जो बादल थे और सारा कुछ था, तारीकी थी, वो सब कुछ रोशनी में बदल गया। आई विल बी अ लवली साइट। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज खूब चमके एंड जो है ये हसीन नज़ारा होगा, क्योंकि जब सूरज चमकता है बारिश के बाद तो वो सब कुछ जो है ना वो रोशन रोशन हो जाता है और अच्छा लगता है। जी, इसका थीम है ये, आप देख लें आपको। और ये इसके अलावा आगे इसकी वोकैबुलरी है, और साथ साथ आपने इसमें देखे क्वेश्चन आंसर है, इसमें सिनोनिम्स भी होने चाहिए, क्योंकि उसमें हाँ जी ये इसके वो है MCQs, विच कंटेंशन इज मोर पॉजिटिव। ठीक है, ये आपने करनी है, ये करके आप मुझे चेक कराओगे नोट्स अपने। आगे से मैं आगे क्या है, ये भी इसी तरह से आपने सेलेक्ट करना है, इनमें से फोर में से एक कोई, ये थ्री में से ऑप्शंस वाले गए। और ये ग्रामर है आगे, ये भी आप लोगों ने फिल करनी है, क्योंकि आप 10th क्लास हैं, आपको हम नहीं फिल कराएंगे, आप खुद फिल करेंगे। ठीक
क्या ये भी है आगे इसी तरह से इस पेज पे भी पास्ट इंडेफिनिट और पैसिव वाइज, और ये भी स्किल है आपकी कम्युनिकेशन, औरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये आप लोगों ने ये भी सीखने हैं। अब ये प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आ गए हैं कि किसी चीज़ को कैसे आपने प्रेजेंट करना है, राइटिंग स्किल्स भी इसमें है, फर्दर रीडिंग एंड एक्टिविटीज हैं जो आपने करनी है, ठीक है। ये आप लोगों की पोएम होगी कंप्लीट, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला चैप्टर पे से करेंगे।